बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली सुपरस्टार दीपिका पिडुकोण के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक दीपिका पिडुकोण के असासों की मालियत 500 करोड़ भारतीय रुपयों तक पहुंच चुकी है। वह अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये मुआवजा लेती है। रिपोर्ट में बताया गया कि दीपिका पिडुकोण ने गुज़श्त साल अपनी सालाना फ़ीस में भी इजाफा किया था, जिसके बाद अब इनकी सालाना फ़ीस 112.8 करोड़ हो गई है। और दीपिका पिडुकोण का शुमार बॉलीवुड की इन शख्सियात में होता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करती हैं। अदाकारा ने साल 2016 से 2017 में 10 करोड़ भारतीय रुपयों का टैक्स अदा किया था। और अदाकारी के अलावा दीपिका पिडुकोण मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी करती हैं। वो एक ब्रांड की तशहीर के लिए 8 करोड़ रुपये मुआवजा लेती हैं। अदाकारा बम्बई की महंगी तरीन इमारत की एक अपार्टमेंट की मालिक भी हैं, जबकि साल 2021 में दीपिका पिडुकोण उनके शोहर रणवीर सिंह ने बम्बई के साहली इलाके में 22 करोड़ का अपना बंगला ख़रीदा था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि दीपिका पिडुकोण मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी करके पैसा भी कमा रही हैं और वो टॉप अव्वल की अदाकारा हैं, जिसके लिए उनका नाम बड़े एहतराम से भारतीय मीडिया में लिया जाता है। दीपिका पिडुकोण का शुमार उन शख्सियात में होता है जो हमेशा से एक अच्छे रैपो की मालिक रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। हमेशा की तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।